देवघर श्रावणी मेले में खाद्य पदार्थ बेच रहे दुकानों की आज से जांच शुरू हो गई, जिससे दुकानदारों में खलबली मच गई है। देवघर श्रावणी मेले में फूड सेफ्टी के तहत मोबाइल फूड सेफ्टी के अधिकारी अब प्रसाद की दुकान, होटल और रेस्टोरेंट तथा ढाबों की ऑन स्पॉट जांच करेंगे। अधिकारी की एक टीम रांची से देवघर जा चुकी है और देवघर के कई पीड़ा व्यवसायियों पर औचक निरीक्षण कर डाला। मोबाइल यूनिट के जरिए ऑन द स्पॉट जाँच की जा रही है और कईयों के सैंपल लिए गए हैं। अधिकारी चतुर्भुज मिश्र ने कहा कि पहले यहां फूड इंस्पेक्टर के द्वारा जांच की जा चुकी है, लेकिन इस मोबाइल में नेट के जरिए पहले स्टेज में यह पता लग जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या नहीं। उसके बाद सैंपल को रांची भेज दिया जाता है, जहां यह तय होता है कि जाँच के उपरांत इसमें किस तरह की मिलावट है। गौरतलब है कि इसके पहले श्रावणी मेले में फूड इंस्पेक्टर जाँच करते थे और सैंपल को धनबाद या रांची भेज दिया जाता था। रिपोर्ट आते आते मेला खत्म हो जाता था, जिससे बाहर के दुकानदार फरार हो जाते थे। लेकिन इस बार भक्तों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ और प्रसाद दिलाने के लिए प्रशासन ने यह पहल की है, जिससे जांच करते ही पता चल जाता है कि इसमें मिलावट है या नहीं। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है, जबकि शुद्ध पेड़ा और खाद्य सामग्री बेचने वाले काफ़ी खुश हैं। देखिए, भारत सरकार ने राज्य को मोबाइल फूड टेस्टिंग उपलब्ध कराई है। ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी फील्ड में जाकर के जांच कर देती है। ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं कुलकर्णी साहब, उनके आदेशानुसार पूरे एक माह के लिए इस मेले में पदस्थ की गई है, ताकि यहाँ पे खाद्य पदार्थों की जांच करके दर्शनार्थियों को और श्रद्धालुओं को शुद्ध और उचित खाद्य मिल सके, इसकी व्यवस्था की जा सके। जहाँ ये वेंडर्स जो हैं या जो ये भोजन निर्माण करता है, उन लोगों को मात्र 20 रुपये में खाद्य पदार्थ की जांच करके उनके संतोष के लिए वो जांच करा सकते हैं। वहीं हमारे जो 4 खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर हैं, श्री दिनेश मरांडी, श्री लाल बहादुर सिंह, श्रीमती लकड़ा मैडम और वो संजय, तो ये लोग निरंतर विजिल रख रहे हैं। और ये मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी से ये लोग उसका परीक्षण करके ये पता कर लेंगे कि वास्तव में कल्प्रिट कौन है, और जो कल्प्रिट है सिर्फ उसका सैंपल लेंगे, और जो अच्छा बेचने वाला है उसको उसी समय उस पर आगे से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो अच्छा बेच रहा है उसका। तो इस तरीके से सिर्फ कल्प्रिट को ही नुकसान मतलब टेंशन रहेगा, जो अच्छा बेच रहा है उसको कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। ये उद्देश्य से ये लेबोरेटरी की स्थापना की गई है, मतलब लगाई गई है। अभी जांच के दौरान कम से कम 5 दुकानों पे कुछ ऐसा पदार्थ दिखा जो शंका की स्थिति में था, तो उनके लीगल सैंपलिंग करवाया गया है। उनकी विधिवत रिपोर्ट आने पर हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी उन पर अभियोजन की कार्रवाई करेंगे, ताकि उनको दंड दिया जा सके, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको उसी समय जाँच पाए जाने पर, अच्छा पाए जाने पर उसी समय उनका कोई उसके आगे कार्रवाई नहीं की जा रही है।